किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए स्वस्थ उनकी जनता हो, वहाँ के रहवासी ठीक रहें, अपने कार्य को बेहतर ढंग से करें, ये बहुत जरूरी होता है। हम कैसे बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं, हम चर्चा करेंगे अपना पंचसो में। चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ निशांत सिंह, आप NHS इंग्लैंड में कार्य कर रहे हैं और विंध की मिट्टी से ही हैं, यहीं से आपने वहां तक का सफर तय किया है। निशांत जी, स्वागत है आपका अपना पंचसो में। धन्यवाद अखंड जी। तो साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विजय सक्सेना, आप MD मेडिसिन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवा में सक्रिय हैं, साथ ही स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक हैं आप। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम निशांत जी के साथ, और निशांत जी चूंकि इंग्लैंड में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भारत को भी देखा है, मध्य प्रदेश को देखा है, विंध्य को देखा है और वहां भी कार्य कर रहे हैं, तो कैसी कार्यप्रणाली है वहां के स्वास्थ्य विभाग की और कैसे स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, निशांत जी कैसे देखते हैं आप उसे? धन्यवाद अखंड जी। मैं NHS जो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम का की प्लेयर है, ये 1947-1948 के उस समय जब बना था, उस समय इनिशियल प्लान ये था कि इट विल बी फंडेड बाय पब्लिक, नॉट बाय गवर्नमेंट और नॉट बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो जब भी कोई हम लोग एज एन एम्प्लॉई कोई भी NHS या इंग्लैंड में काम करना शुरू करता है, तो दे हैव दे गेट एन NI नंबर एलोकेटेड, उनको एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है जिसके अगेंस्ट, जैसा हमारा पैन कार्ड, जैसा इंडिया में हमारा पैन नंबर है, जिसके अगेंस्ट आपका सारा फाइनेंशियल हिस्ट्री मेंटेन करते हैं हम लोग, वैसा यहाँ पे NI नंबर होता है जिसके अगेंस्ट आपकी हेल्थ केयर की तरफ जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स के अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी हर एम्प्लॉय यहाँ पे करता है, तो ये जो पैसा है ये जाता है हमारा NHS के लिए। जो इंग्लैंड का एक बेसिक वो फंडामेंटल होता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सबके लिए फ्री, जो एक कॉन्सेप्ट मिला था। फ्री तो क्या ही होता है कि हम लोग तो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं वो लोग अपना इनकम में से एक पर्टिकुलर एक पार्ट NHS को कंट्रीब्यूट, अगर आप सर्विसेज अवेल नहीं भी कर रहे हो तो भी आप कंट्रीब्यूट करते ही हो। लेकिन ये हेल्प करता है उन लोगों के लिए जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो बेनिफिट पे हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो अंडर एज बच्चे के लिए हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए हैं, इनके लिए जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री हो जाती है। नाउ सिस्टम कोई भी परफेक्ट, हेल्थ केयर कम से कम एक ऐसा सिस्टम है जो परफेक्ट हो पाना बहुत मुश्किल है। तो देयर आर गुड थिंग्स अबाउट NHS, क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ऑलरेडी, तो सर्विस सेवाएं आखिरी व्यक्ति तक अवेलेबल होती हैं, सबको मिल सकती हैं। लेकिन बिकॉज इट्स पब्लिकली फंडेड तो इसमें ये लोग एक अकाउंटेबिलिटी आती है कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी टेस्ट या कोई भी सेवा जब तक जरूरत नहीं है तब तक नहीं मिल पाती है। तो इसके डाउनसाइड ये होते हैं कि कई बार लोगों को सीवियर प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उनका जो GP होता है, जो उनका फैमिली डॉक्टर होता है, वो अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है इनिशियली, तो इट लीड्स टू मोर कॉम्प्लिकेशंस। तो कोई भी टेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है, बिकॉज लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वो डॉक्टर्स भी एक दिन में 10-15 से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेते नहीं है, सबका अपना एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। तो कारण क्या होता है कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह काफी थोड़ा डिलेज होते हैं, जो रेफरल्स होते हैं जो स्पेशलाइज क्लिनिक के लिए NHS रेफर करता है, चाहे वो ईयर स्पेशलिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट हो, कैंसर जो भी, तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है, यूजुअली स्टार्ट विद 6-18 weeks का जो टाइम होता है। एक बेसिक चेक कई बार आपको उतना इंतजार करना पड़ता है, तो दीज आर ये डाउनसाइड होते हैं। लेकिन द मोमेंट उनको ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम बड़ी है,
the things change एकदम इमीडिएटली. यू विल गेट इमीडिएट रेफरल्स. यू विल देयर आर एनीज जिसको कहते हैं एक्सीडेंट इमरजेंसी यूनिट्स होती हैं जहां पे आप बिना अपॉइंटमेंट के जा सकते हो. देयर विल बी वेटिंग ऑफ कोर्स. 3 से 4 घंटे वहां पे वेट भी करना पड़ता है बट एटलीस्ट यू विल गेट दैट काइंड ऑफ अश्योरेंस कि आपको इमीडिएट हेल्प की जरूरत नहीं है. आप अपने डॉक्टर के पास जाके नेक्स्ट थ्रू चैनल आप प्रोसेस कर सकते हो. गुड थिंग इज निशांत जी हम आपके पास फिर से लौट आएंगे. डॉक्टर विजय सक्सेना जी के पास चलेंगे. विजय सक्सेना जी आप भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें देख रहे हैं और आपके देश में भी दौरे होते रहते हैं. आप डॉक्टर के साथ समाजसेवी भी हैं. जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए जिस प्रकार से, वो आपके नजरिए से कितनी मिल पा रही हैं और उनमें कितनी बेहतरी की आवश्यकता है? अखंड जी देखिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अगर मैं बोलूं तो 100% से अगर मैं काउंट करूं तो मुझे लगता है आज की तारीख में स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ 50% ही शायद मिल पा रही हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की. प्राइवेट में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेक्टर है प्राइवेट हॉस्पिटल का और मैं भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल का ऑनर हूँ, डायरेक्टर हूँ, संचालक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल सबकी अप्रोच में नहीं होता है. हालांकि भारत सरकार ने जो आयुष्मान योजना यहाँ पे लागू की है उस योजना से ये बात बिल्कुल सही है कि उस योजना के अंतर्गत वो लोग जो कब सोच भी नहीं सकते थे किसी बड़े अस्पताल में जाके इलाज कराना, वहां पर बाईपास सर्जरीज, वॉल्व रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टीज एंड मेजर सर्जरीज जो हो सकती हैं लाइक कैंसर सर्जरीज एंड किडनी का ट्रांसप्लांट, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत योजना. अब विडंबना ये है कि इतनी अच्छी योजना है लेकिन उस योजना आज तो चल रही है पर मुझे लगता नहीं कि योजना आगे सफलतापूर्वक चल पाएगी क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें इस तरह से घुस गई हैं. मैं तो साफ तौर पे कह सकता हूं कि इसमें करप्शन का भी इस तरह से एक वो लग गया है छोका कि ये योजना ज्यादा चल नहीं पाएगी. बिकॉज आज मेरे पास जब आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज लेने वाले लोग आते हैं वो बड़ी बड़ी कारों में आते हैं और मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आयुष्मान से हमारा इलाज कर दीजिए लेकिन आप जो है हमें प्राइवेट रूम, डीलक्स रूम दे दीजिए, उसका पैसा हम अलग दे देंगे. तो वो लाख रुपए रूम के लिए देना अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे ये बताइए कि वो आयुष्मान धारक कैसे हो सकते हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सुविधाएं हैं जैसा कि अभी निशांत सिंह जी बोल रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज में बाहर हिंदुस्तान के बाहर एक लिमिटेशन है, डॉक्टर को बहुत जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, स्पेशलिटी में तो स्पेशली नहीं कर पाते हैं. हमारे पास ऐसा नहीं है. हम किसी भी स्पेशलिटी के लोगों को विद इन हाफ एन आवर अप्रोच कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर भी हैं. और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन प्रॉपरली चैनलाइज नहीं है. सिर्फ जरूरत है और ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है. हम स्टेट वाइज भी अगर बात करें तो मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ. मेरी एजुकेशन जो है वो मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में भी हुई है. तो मैं गुजरात के मेडिकल सिस्टम को जब मध्य प्रदेश के मेडिकल सिस्टम से कंपेयर करता हूं, तुलना करता हूं, तो मैं पाता हूं कि गुजरात का मेडिकल सिस्टम मध्य प्रदेश के मेडिकल सिस्टम से थोड़ा ऊपर पाता हूं मैं. वो वहां पर वो चीजें मुझे आज से 15 साल पहले भी नजर आई जो आज हमारे पास आज भी वो, और ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास में तकनीक है, हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है. प्रॉब्लम ये ये इसमें अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए तो ये सारी चीज बहुत बेहतर हो सकती है. इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस लेवल, उनका पेशेंट देखने का एक बहुत बड़ा उन्होंने इतने पेशेंट देखे होते हैं, जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर फॉरेन कंट्रीज में पॉसिबल नहीं बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना है, एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट देखता है. जैसे आपने बताया 10 से 15 पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स फॉरेन कंट्रीज में इन अ डे हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम एक दिन में 400-500 पेशेंट भी देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं, ट्रीट भी कर लेते हैं. तो हमारा एक्सपोजर डेफिनेटली फॉरेन कंट्रीज के डॉक्टर से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहीं हम इतने व्यस्त होते हैं कि कई बार हम रिसर्च वर्क में पीछे हो जाते हैं. रिसर्च में फॉरेन कंट्रीज के डॉक्टर आ गए क्योंकि वो टाइम दे रहे हैं रिसर्च के लिए. हमारे यहाँ हम इसी चीज में रह जाते हैं. पर ठीक है, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है, पर वो बदलाव जितना तेजी से आना चाहिए उतना तेजी से नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है. मुझे लगता है वो थोड़ा और उसमें अगर स्पीड अप किया जाए, उसको तेज किया जाए, तो
तो हमारे यहाँ के हेल्थ सिस्टम नो डाउट आज हम अगर देखें तो बाहर से बड़े बड़े देशों से हमारे यहाँ लोग यू नो हर एक चीज के लिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट भी हमारे यहाँ बहुत कम है ट्रीटमेंट का. सो हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है अखंड, लेकिन हो नहीं पा रहा है, प्रॉपरली चैनलाइज नहीं है. उसको एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है. एक आयुष्मान, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज. और हम देखिए, हम एक तो ये बात बिल्कुल सही है जैसे निशांत सिंह जी ने बोला कि वहां पर यू नो सब उन्हीं की सैलरी में से या उन्हीं के पैसों में से चीजें कटती हैं और होती हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब तक देंगे नहीं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक लेंगे नहीं, तब तक ये चीजों की वैल्यू करेंगे नहीं. आयुष्मान से लाखों का इलाज फ्री हो रहा है, लेकिन उसकी मुझे लगता है वैल्यू जितनी करनी चाहिए पब्लिक ने उतनी वैल्यू नहीं कर रहा है ना. सो मुझे लगता है कि ये एजुकेशन, एक प्रॉपर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर चैनलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. बिल्कुल, डॉक्टर विजय सक्सेना ने बात महत्वपूर्ण यहाँ पर कही है. जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो क्या विचार रखते हैं, क्या सुझाव रखते हैं, वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. महत्वपूर्ण बात ये रही है, आयुष्मान को लेकर बात उठी है, बहुत अच्छी योजना है और इसमें से लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन वो लोग जो उसके लिए पात्र नहीं है उसके बाद भी योजना में आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा है उन लोगों के लिए भी जो योजना का लाभ ले रहे हैं और जो इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो कैसे ये हो जाता है, इसमें ध्यान देना होगा जिससे जो सही हकदार है उसके उनको लाभ मिले और चीजें बेहतर हो. एक बात और निकली है कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो काफी मेहनत करते हैं, 300-400 मरीज देखने होते हैं, कई बार आप देखेंगे जिलों के डॉक्टरों का औसत निकालें तो 45,000 लोग एक एक डॉक्टर के हिस्से में आ रहे हैं, भले वो हर दिन बीमार ना हो रहे हो, लेकिन यदि आदि का हम उसमें गुणा भाग करें तो एक औसत निकलता है. तो इस सबके बीच भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर देने की कोशिश हो रही है, उसमें जरूरत है कि और बेहतरी हो. इस चर्चा में हम निदान ही खोज रहे हैं कि कौन से वो कारक हो सकते हैं, क्या जनता की भागीदारी होगी, क्या सरकार की भागीदारी होगी, और मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकार बनने को हो, वो किसी भी दल किसी भी पार्टी के लोग हों, उन्हें भी देखना होगा कि ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर ढंग से मिले. यदि हम विदेश की बात छोड़ दें, यदि हम अपने मध्य प्रदेश को देश के अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो वहां तो हम बेहतर ही रहें. ये कोशिश है हमारी, विंध्य फर्स्ट की कोशिश है. चर्चा में निशांत जी के पास चलेंगे. निशांत जी, आपकी कुछ बातें रह गई थी. जी मैं जहां तक इम्प्रूवमेंट की बात है, क्या हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जब आजादी मिली थी उसके बाद से मेरे ख्याल से हर 5-10 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राथमिक विद्यालय बनाने की कोशिश हुई थी. वो शायद उस जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए था, शायद उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा, उसमें शायद फंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, या लोग डॉक्टर्स भी शायद रिमोट एरियाज में जाके काम करने में शायद उतना आसान नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि उनकी भी लाइफ है. और तो डॉक्टर साहब ने जो भी बोला सारी बातें बिल्कुल सही हैं. जो एक्सपोजर इंडिया के डॉक्टर्स को है वो यहाँ पर कभी नहीं हो सकता. यहाँ पर क्या है, दे फॉलो प्रोसेस, यहाँ पे सिर्फ किताब जो बेसिक वो होता है एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसमें कई बार मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिकॉज ऑफ अगर वो लोग इनिशियल स्टेजेस में ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए तो, जिसको ट्रियाजिंग कहते हैं, अगर ट्रियाजिंग सही नहीं होती है तो कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें. इंडिया में मेरे ख्याल से अगर हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ज्यादा काम करें, अभी जो ज्यादातर जो पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी है और उतना महंगा भी नहीं है. आयुष्मान का मैं एक डाउनसाइड ये देखता हूँ, आगे जाके इट में ये अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम जैसा बन सकता है, जो कि एक मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज इट्स एन इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम जहाँ पे आप अपना प्रीमियम पे करो, इंश्योरेंस कंपनी आपका मेडिकल हेल्थ केयर वो ले. इनिशियली इट वर्क्स फाइन, बट जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनी का जब आई वुड कॉल इट ग्रीड, जब उनका लालच बढ़ता है तो फिर प्रीमियम ऊपर जाता है, फिर एक पर्टिकुलर क्लास होता है हमारी आबादी का जो उस प्रीमियम को अफोर्ड नहीं कर पाता है. तो
एनएचएस उस हिसाब से आई सी एज अ बेटर सिस्टम, जो कम से कम गरीब जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके उनके लिए स्टिल बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है आयुष्मान में। आगे जाके ये प्रॉब्लम करप्शन अपनी जगह है, वो इस पार्ट ऑफ इंडिया हम सब एक मतलब छोटे मोटे, इट्स नॉट द सिस्टम थिंग, जैसे हमारे लोगों में एक है ही, वो कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही रहता है। लेकिन जो सिस्टम इटसेल्फ, जो जो इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर है, अगर उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है तो करप्शन की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। और फिर एक एक टाइम के बाद अगर इंश्योरेंस, फिर इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में ये चीज होती है कि वो प्रीमियम अगर वो बढ़ाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो एक गरीबों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप सिस्टम में नहीं हो, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो रिफ्यूजीज वगैरह जो और जो मार्जिलाइज्ड जो उनमें अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के काफी लोग हैं जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए हेल्थ केयर एक बड़ा चैलेंज हो जाता है ऐसी जगह पे। पर हाँ, अगर हम लोग अपने प्राथमिक हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करें, उनको वापस से एक कोशिश करें रीस्टेबलाइज करने की, तो प्राइवेट से जो डिपेंडेंसी है वो कम होके थोड़ा लोड सरकारी की तरफ जाना शुरू हो, ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। निशान जी ने जो बात कही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ध्यान देने की, और सही बात भी, यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्थितियां होंगी तो जो बीमारियां बड़ा रूप धारण कर लेती हैं वो नहीं होगा, और लोग जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है, तब वो जागरूक होकर आगे बढ़ते हैं कि अब हम कहां दिखाएं और कहां जाएं। तो यहां पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे ये भी कहना है कि अभी हम डॉक्टर विजय सक्सेना से भी प्रश्न का जवाब लेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमें बीमारियां होती हैं, हम अपने से ही इलाज शुरू कर देते हैं, तो उसके व्यक्ति ने कहा उसके हिसाब से चलने लगते हैं, पिछली बार किसी को कुछ हुआ था उस हिसाब से चलने लगते हैं और मेडिकल स्टोर से अपने से भी दवाई लेके इलाज शुरू कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। कोई भी यदि समस्या है तो एक बार चिकित्सक से सलाह ले लेनी चाहिए, उसके बाद इलाज करना चाहिए, जिससे बीमारी बड़ा रूप धारण ना करे। डॉक्टर विजय सक्सेना जी क्या कहते हैं आप इस मामले में? देखिए, मैं दो तीन चीजें जो मुझे अभी लगा सुन के निशान जी की बातों से, तो निशान जी क्या है, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो पीएचसी और सीएचसी यहाँ पर है, ये यहाँ पर डेवलप्ड है, ये बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है यहाँ पे, ये बने हुए हैं, लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं है। मैंने जो बात शुरू की कि हम तुलना करें तो ये बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं यहाँ पे जो पीएससी और सीएससी है, वहां पे डॉक्टर्स हैं, वहां पर सुविधाएं हैं, वहां अच्छा काम हो रहा है, प्राथमिक चिकित्सा मिलती है, फिर रेफरल सेंटर को भेज दिए जाते हैं पेशेंट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो सरकार ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, सो लेकिन आप समझिए, मैंने आपको बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप कर देंगे, हम बिल्डिंग बना देंगे, हम सारी मशीनें लाके रख देंगे, जब तक हम अच्छे डॉक्टरों को अपॉइंट नहीं करेंगे वो चीजें खराब हो जाएंगी, और ये हो रहा है हमारे देश में, सबसे बड़ी विडंबना है कि ये हो रहा है। अच्छे डॉक्टर, अब आपने दूसरी बात बोली कि डॉक्टर जो है वो रूरल एरियाज में जाना शायद पसंद नहीं करते हैं, आप मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम पे, हम हेल्थ सिस्टम के अलावा बात करते हैं, हम पुलिसिंग की बात करते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, हम जुडिशरी की बात करते हैं, आप किसी भी छोटे कस्बे में जाएंगे तो जुडिशरी के पास में एक बंगलो है, एक गाड़ी है, उनके पास, उनको सारी सुविधाएं सरकार ने दी हुई है। छोटे छोटे कस्बे की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी की बात नहीं कर रहा। हम बात करते हैं वहां पर, अगर किसी छोटे शहर में एक आईपीएस ऑफिसर है जो एसपी है, उनके पास में सारी सुविधाएं हैं, कलेक्टर के पास सारी सुविधाएं हैं, तहसीलदार के पास तक सुविधाएं हैं, डॉक्टर के पास वो सुविधाएं नहीं दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर के पेशे को हमेशा एक समाज सेवा के पेशे से जोड़ा जाता है। पर आप समझिए, वो समाज सेवा करेगा लेकिन अगर आप उसको सुविधाएं देंगे तो वो वहां तक पहुंचेगा, वो पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुविधाएं नहीं देंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे हैं, वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। सुविधाएं दीजिए, लोग पहुंचेंगे, ये बात तय है। आप पीएससी और सीएससी इंप्रूव करिए, मैं बोल रहा हूँ आप इतने सारे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आप पहले पीएससी और सीएससी को इम्प्रूव करिए,
मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपके पास में टीचर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो आप मुझे बताइए अच्छे डॉक्टर पैदा कहाँ से करेंगे? नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ाने से अच्छे डॉक्टर पैदा नहीं होंगे, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी हमको। सो ये दो इम्पोर्टेंट पहलू है। और इसके अलावा जो आपने बात की अखंड प्रताप सिंह जी की, जो पेशेंट है वो हमारे हिंदुस्तान की एक बड़ी विडंबना है कि हर दूसरा व्यक्ति तो डॉक्टर है, अपने आप में डॉक्टर है, स्वयं डॉक्टर है वो। सो यू नो उसके पास में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपनी डॉक्टरी सलाह दूसरे अपने पड़ोस वाले आदमी को जरूर देता है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर व्यक्ति का शरीर हर दवा के लिए अलग रिस्पॉन्स करता है, दैट इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी। अभी क्या है, हम अपने ऊपर जो ठीक है वो दूसरे के ऊपर ठीक होगा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और फिर बीमारी में क्या करते हैं कि हम पहले अपना इलाज करते हैं, इसके बाद में अपने इलाज के बाद में वापस डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तक चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी होती हैं, और तब फिर बड़ा मुश्किल होता है, तब आप हॉस्पिटल जाते हैं, तब आपका बिल आईसीयू का खर्चा बढ़ जाता है, एडमिट होने के बाद का खर्चा बढ़ जाता है, बिल बढ़ जाता है, तो फिर दोषी हम डॉक्टर को ही बोलते हैं, हम दोषी अपने आप को, हम दोष नहीं देते कि हमने देर की, हम कभी नहीं मानते। जिस दिन हम अस्पताल के अंदर घुसते हैं इलाज के लिए, उस दिन से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डॉक्टर और उस अस्पताल के ऊपर रख देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम छोड़ देते हैं। देखिए बात मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड में यूज कर रहा हूँ वो समझने की जरूरत है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे बात हो, हम एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी। सही टाइम पे पहुंचेंगे खर्चा नहीं होगा, आप गलत टाइम पे पहुंचेंगे तो खर्चा होगा। यू नो इंश्योरेंस कंपनीज में भी यही हो गया है आजकल, आप अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें बहुत सारा प्रीमियम बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअली करप्शन, उन्होंने सही बोला कि इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं करप्शन तो थोड़ा बहुत होता रहेगा, बट थोड़े बहुत, देखिए आटे में नमक ठीक है पर नमक में आटा चलेगा तो मुश्किल होगा, वो चीजें फेल्योर की तरफ चली जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि हम इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी अब इतनी ज्यादा विजिलेंस उनका हो गया, विजिलेंट हो गई है कि वो बिल काट देते हैं, यू नो एक कैपिंग करने लगे हैं। एंड डेफिनेटली अच्छी सुविधाओं के साथ में आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं, वहां पर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए, साफ सफाई चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वहां पर, उन सुविधाओं को आपको लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, और वो पैसा कहाँ से वो अस्पताल लेगा, वो आपसे ही लेगा। तो जैसे जैसे आप सुविधाएं लेंगे वैसे वैसे बिल बढ़ता जाएगा। मेरा कहना यह है कि अगर हम सरकारी अस्पतालों को इस तरह से तैयार करें कि आम आदमी वहां जाने के लिए उसके अंदर का जो डर है, वो भय है, वो खत्म हो जाए, तो हम अपने बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे लगता है उस दिशा में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिशा में, मुझे कई बार किसी ने पूछा कि सर हम इन सुविधाओं में हम इतने पीछे हैं, हम अमेरिका या यू नो दूसरे देशों के विकसित देशों की तरह कब बनेंगे? मेरा जवाब ये था कि हम अगर उस रास्ते पे ही नहीं चलेंगे तो हम कभी नहीं बन पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम उस रास्ते पे ही नहीं चलना चाहते हैं तो हम उस जगह पहुंचेंगे ही कैसे? बिल्कुल, जिम्मेदारी की बात आई है यहाँ पर, इसकी जो जिम्मेदारी है वो निभानी होगी, इसमें मरीज हो, डॉक्टर हो, सरकार हो, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हो, उन सभी को देखना होगा, तभी स्थिति बेहतर हो पाएगी। और जो जिम्मेदारी की बात आई है, डॉक्टर विजय सक्सेना ने महत्वपूर्ण बात कही है कि जो हमारे शासकीय अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें सुविधाएं बेहतर करनी होंगी, केवल बिल्डिंग बना देने से, मशीनें ले लेने से काम नहीं होना है, उसमें बेहतर डॉक्टर भी होने चाहिए और वो उन बातों को देखें। और सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, वो सरकार ने कई बार दिखाया है, पिछली सरकारें जो रही हैं उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि जिसमें लगता ही नहीं कि बजट की कमी है, बजट तो बहुत पर्याप्त दिख रहा है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा वो बेहतर होना चाहिए और यहाँ पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। निशान जी भी यही बात कह रहे थे, निशान जी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी का जो मामला है उसमें इंग्लैंड की हम बात करें तो जिम्मेदारी लोग अपनी निभाते हैं, वो जनता हो या सरकार में बैठे लोग हों या जो उस तंत्र को चला रहे हैं, और यहीं पे हम कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। उस जिम्मेदारी को हमें देखना होगा, निभाना होगा, और वो जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पड़ोसी है यदि तो अपने से सलाह देने ना चले जाएं, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, जो हमारा जो खेत है उसकी मिट्टी अलग हो सकती है, बगल के खेत में फसल होती है और उसी के आसपास दूसरी फसल होती है, तो ये तो मानव शरीर है जो अलग है, तो ध्यान देने की जरूरत है। निशान जी, जो ये जिम्मेदारी की बात है उसको आप दोनों जगह कैसे देखते हैं? बहुत मुश्किल है, मतलब
एक एक फ्रेम में डॉक्टर साहब ने जो कहा वो 100% सही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको जब जिम्मेदारी की बात आती है तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, मगर अगर आपको आप एज अ पेशेंट आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, आपको एक बेड मिलता है, तो अगर आप वार्ड बॉय को थोड़ा बहुत यू नो 150 दे के आप जो चाहो वो सुविधाएं आपको छोटी छोटी एकदम छोटे लेवल पे ये सारी चीजें हमारे यहाँ एम्बेडेड हैं, जो कि यहाँ एनएचएस में हम उम्मीद नहीं कर सकते। जो मतलब उनका हिसाब है कि जो जो उनके गाइडलाइंस है वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं है और वो इस तरह की कोई अप्रोच नहीं रखते। इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वहां पर आपका ठीक से ख्याल रखा जा रहा होगा, जो भी पेशेंट है उसका ठीक से ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। एक ऑन पर्सनल लेवल आपको जो हेल्थ केयर के लिए जो आप एंटाइटल्ड हो वो आपको मिलेगा, कम से कम ये आप अश्योर कर सकते हो। जैसा एनएचएस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे को इनिशियली जब हम यहाँ आए थे जिस जीपी के साथ हम रजिस्टर्ड थे उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा नहीं था। हम लोगों के साथ भी एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, जैसे मेरे को बोला गया कि यू कैन गूगल द सिम्टम्स। आप एक एज एन इंडियन आप एक डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते कि आपको बोलेगा यू कैन गूगल द सिम्टम्स। ये हुआ है यहाँ पर, वन ऑफ माई फ्रेंड उनके साथ इंसिडेंट हुआ था कि 6 वीक वेटिंग के बाद जब वो अपॉइंटमेंट के लिए गई तो डॉक्टर सेड कि आई डोंट सी फीमेल पेशेंट। वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस थिंग इन इंग्लैंड आई वुड एक्सपेक्ट, लेकिन कम होता है, लेकिन होता है। जो बेसिक हेल्थ केयर है यहाँ, जो प्राइमरी केयर जो होते हैं दे आर नॉट वेरी उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, उतने पेशेंट्स नहीं देखते हैं। वो लोग अपना से प्रोसेस सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं और अगर उनको लगता है कि ये एक एरिया जहाँ पे एनएचएस नीड्स टू इम्प्रूव, जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो इनिशियल ट्रियाजिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट पहली बार आ रहा है तो आपको पहली बार में समझ में आना चाहिए कि आगे वो कितना सीवियर हो सकता है। वन ऑफ एक रियल इंसिडेंट है, हमारे एक फ्रेंड की वाइफ को उनके हाथ में पेन होता था या आर्म में, एंड जीपी ने उनको 6 महीने तक पेन किलर दिया। देन दे इवेंचुअली वेंट टू प्राइवेट और वहां पर चेक किया तो बोन के अंदर पस फॉर्म हो रहा था, तो देन दे इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट हुआ। बट दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअली होती हैं यहाँ पर, कम होती हैं लेकिन होती हैं। तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया में अगर जैसा डॉक्टर साहब ने भी एग्री किया उस चीज से, अगर हम लोग हमारे पीएससी को इम्प्रूव करते हैं और लोग वहाँ जाना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स को थोड़ा हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो डॉक्टर्स भी वहाँ जाएंगे, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं होगा। तो आई थिंक यही है कि और लोगों को अपना जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि एज चाहे आप पेशेंट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे जो भी हो, एज आपका सोसाइटी के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको वो ईमानदारी से फुलफिल करना पड़ेगा। आई थिंक अगर हम इतना कर पाते हैं तो आगे इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर, नो डाउट। द काइंड ऑफ डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस उन लोगों के पास है वो वर्ल्ड में डेफिनेटली कहीं नहीं हो सकता। तो ऑल वी नीड इज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको सबसे अच्छे तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बस उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे कार्यक्रम समाप्ति का वक्त हो रहा है, डॉक्टर विजय सक्सेना के पास चलेंगे। आप स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल जैसा संस्थान चला रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, तो इस बीच जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आपका सुझावात्मक संदेश क्या है, वो अपने सेहत की ध्यान बेहतर ढंग से कैसे रखें, और साथ ही जो ये व्यवस्था है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आपके नजरिए से कैसे थोड़ा और बेहतर हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी जनता को जो इस अभी समय देख रही है, सुन पा रही है, उसको ये बोलना चाहता हूँ कि पहले भरोसा करें डॉक्टर पे,
और जिस पे आपको भरोसा है उसी के पास जाएं और उस भरोसे के साथ में जाएं कि डॉक्टर निश्चित तौर पे आपकी मदद के लिए है। ये प्रोफेशन वही लोग चुनते हैं जिनमें ये इस तरह की चीज करने का जज्बा होता है। धीमे धीमे डेफिनेटली हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही में ही बुरे लोग होंगे या अच्छे लोग होंगे, हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें उसमें सिलेक्ट करना होता है कि अच्छा कौन है। तो मैं बोलता हूँ आप सिलेक्ट करिए कि आपको कौन डॉक्टर है जो आप जिस पे भरोसा कर सकते हैं। एक पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता था फैमिली डॉक्टर का, तो अगर ऐसा है तो आपको कोई एक फैमिली डॉक्टर है जिस पे आप भरोसा करते हैं। आप सबसे पहले जब भी बीमार हो उससे एडवाइस लें, उनके कहने के अनुसार दूसरे किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है तो उसको दिखाएं। तो सबसे पहला है भरोसा, जो कि एक डोर कमजोर होती नजर आ रही है आजकल मरीज और डॉक्टर के बीच में भरोसे की, वो हमको स्ट्रांग करने की जरूरत है। उसमें दोनों तरफ से होगा, डॉक्टर की तरफ से भी होगा और मरीजों की तरफ से भी होगा। एक अच्छे मरीज के तरह हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हमें भी सीखना है, और डेफिनेटली डॉक्टर को कैसे करना है वो उसको सीखना है। दूसरी बात यह है कि देखिए अभी जिस भी तरह की बीमारियां फैल रही हैं, किसी भी तरह से मेरा कहना है आप अपने घर के उपचार को ज्यादा लंबा ना खींचे। आपको लगता है कि नहीं ठीक लग रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके उचित सलाह लें और उचित इलाज कराने की दिशा में आगे बढ़े, अदरवाइज चीजें कॉम्प्लिकेट होके खतरनाक हो सकती हैं। एंड रही बात इस चर्चा की, तो अखंड प्रताप सिंह जी अभी इस चर्चा में मुझे लगता है बहुत सारे पहलू हैं जिसपे डिस्कशन होने बाकी हैं और होने चाहिए जी। और हम डेफिनेटली एक एक चीज इसमें से निकालते जाएंगे और उनपे अलग अलग से बैठ के इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। बिकॉज मैं जिस तरह से सोचता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं मध्य प्रदेश की हेल्थ सुविधाओं में, सरकारी सुविधाओं में, भले ही प्राइवेट काम कर रहा हूँ बट सरकारी सुविधाओं को अच्छा बेहतर करने में अगर मैं कुछ योगदान कर पाया तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल मानूंगा मैं। तो डेफिनेटली चर्चा जरूरी है, बिकॉज इन चर्चाओं से ही चीजें आगे बढ़ेंगी और आगे एक नया रूप लेंगी और चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। तो बिल्कुल हम इसको आगे और चर्चाएं करेंगे इन सब पहलुओं पे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर विजय सक्सेना ने जैसा कहा है कि इतना महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य का, इसमें चर्चा एक दिन में और एक एपिसोड में समाप्त नहीं हो सकती। हम आगे भी जुड़ेंगे डॉक्टर विजय सक्सेना के साथ, निशांत सिंह जी का भी हम समय लेंगे, एक बार फिर हम सब एक साथ होंगे, हम और भी विशेषज्ञ जोड़ेंगे जो हमारे दर्शक हैं। इस बीच वो क्या सोचते हैं, वो अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका सुझाव महत्वपूर्ण होगा, हम उसे भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना पंच शो में हमारे साथ आज महत्वपूर्ण चर्चा में डॉक्टर विजय सक्सेना जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ निशांत सिंह जी NHS इंग्लैंड से जुड़े, आपका भी धन्यवाद। जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं अपने सुझाव जरूर भेजें, क्योंकि हम जल्द ही एक बार फिर अपने दोनों विशेषज्ञ के साथ होंगे और आपके वो सुझाव होंगे हम उनमें भी बात करेंगे, उन्हें भी शामिल करेंगे कार्यक्रम में। अपना पंचसो में आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट के साथ, नमस्कार।